अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, और हमारी किडनी का जो फंक्शन है आप सबको पता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। सो मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मीन्स द ब्लड विल नॉट बी फिल्टर्ड प्रॉपरली। उसमें सबसे पहला केस मेल फंक्शनिंग का क्या होता है कि हमारी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं किसी भी वजह से, वो जिसको आप गुर्दे में पथरी कहते हैं, वो स्टोन्स जो होते हैं आपकी किडनी की फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं। स्टोन्स आपकी किडनी में भी रह सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि वो वहाँ से ट्रेवल करके यूरेटर में आ जाते हैं, और यूरेटर को क्रॉस करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। अगर यूरेटर में भी रहते हैं तो ब्लॉकेज कॉज करते हैं जो कि नुकसानदेह हो सकती है, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाते हैं तो वहाँ पर एक्यूमुलेट होकर ब्लैडर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, एक्सट्रीम पेनफुल होते हैं। तो इनका बनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जो स्टोन्स होते हैं वो छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं। दो तरीक़ों के जो हैं आपके किडनीज में स्टोन सबसे कॉमन हैं, उसमें से एक कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और दूसरे यूरिक एसिड हैं। जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो यूजली ड्रिंक्स और पैनाडोल, एस्प्रीन, कुछ टिपिकल पेन किलर्स हैं, उन जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको इसकी शिकायत हो जाती है, या खाने में बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं उनमें कैल्शियम सॉल्ट्स के जो स्टोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूरिक एसिड स्टोन्स आते हैं, यूरिक एसिड उन लोगों में सबसे ज़्यादा लेवल पाया जाता है जो कि रेड मीट यानी गाय का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, या ऑर्गन मीट होता है जैसे दिल, गुर्दे, कलेजी, कुछ लोग खाते हैं ये चीज़ें जो कि ऑर्गन मीट में आता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो यूरिक एसिड बहुत बढ़ाती हैं, और जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ता है तो वो डायरेक्टली आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है, और फिर एंड पे क्या होता है, जमा होकर यूरिक एसिड स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ये तो होगी मेल फंक्शनिंग। अब इन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए किडनी में से कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? जो छोटे साइज़ के स्टोन्स होते हैं उनको तो आप सिंपली वाटर पी के, या वाटर इनटेक जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि या तो वो स्टोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं आपकी किडनी में से, या फिर वो पानी के साथ जब यूरिन आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट होता है तो वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं और आपको नॉर्मली पता भी नहीं लगता क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। लेकिन वो स्टोन्स जो कि बड़े साइज़ के होते हैं और पानी के साथ रिमूव नहीं हो सकते हैं, उनको लिथोट्रिप्सी से रिमूव किया जाता है।